तो भगवान ने लीला करी, कंस के मन में प्रेरणा योग माया ने दी। भगवान को जब भी कोई काम करना होता तो योग माया सहारा देती है। प्रेरणा क्या मिली? कंस के मन में आया, इतने दूत भेज दिए, इतने राक्षस भेज दिए, एक बच के ना लौटा, सब मार दिए गए हैं। अब एक काम करता हूं, किसी को वहां भेजने की बजाय कृष्ण को यहां बुलाता हूं, यहां मेरी आंखों के सामने मैं भी तो देखूं कितना ताकतवर है, किसी को छोड़ता ही नहीं, सबको मार देता है। तो कृष्ण को बुलाना पड़ेगा। कैसे बुलाएंगे? ऐसे तो नंद यशोदा किसी के साथ तो भेजेंगे नहीं, कोई विश्वास पात्र होगा तो भेज देंगे। तो विश्वास पात्र कौन है? अक्रूर जी महाराज। श्री अक्रूर जी महाराज पर नंद यशोदा को भरोसा है, क्योंकि वो जानते हैं, पहले से परिचित हैं। अक्रूर जी पहले रोहिणी मैया को लेकर के आए हैं, तो भरोसे वाला इंसान लगता है अक्रूर, इसलिए अक्रूर जी को भेजा गया। श्री अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए आ गए वृंदावन। ब्रजवासियों को कुछ नहीं पता कि ये क्यों आया है, सोचा कोई ऐसे ही दूत आया होगा मिलने जुलने। जब से कन्हैया आया है इस ब्रज में, वृंदावन में, तब से कोई ना कोई आता ही रहता है। कभी भगवान शंकर आए, कभी इंद्र आ गया, कभी दूत आ गए, तो कोई ना कोई आता रहता है। ये भी कोई आया होगा दर्शन करके चला जाएगा। लेकिन जब ब्रजवासियों को पता लगा कि दर्शन करने नहीं, ये कृष्ण को यहाँ से ले जाने के लिए आया है, ब्रजवासियों को पता चला कि सुबह होते ही श्री कृष्ण की विदाई होने जा रही है। पूरी रात्रि ब्रज नंद यशोदा के आंगन के बाहर दरवाजे पर बैठ करके श्री कृष्ण की राह तक रहे हैं और भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना कर रहे, निवेदन कर रहे हैं, हे सूर्यदेव आप सुबह उदय मत होना, क्योंकि आप उदय हो गए तो सुबह होते ही श्री कृष्ण हमको छोड़ करके चले जाएंगे। पूरी रात्रि यही ब्रज की दशा रही, हाल रहा। सुबह हुई, जैसे सूर्य उदय हुआ तैयारियां शुरू हो गई, रथ को सजा दिया गया, रथ पर अक्रूर जी विराजमान हो गए, भगवान श्री कृष्ण भी स्नान ध्यान करके वस्त्र धारण करके रथ पर विराजमान हो जाते हैं। गोपी ग्वाला गैया सब श्री कृष्ण को देख करके झरझर आंखों से वर्षा बहती हुई श्री कृष्ण को जाते देख रहे, मानो श्री कृष्ण नहीं उनके प्राण जा रहे हों। लेकिन जानते हैं कि श्री ठाकुर जी की लीला में अगर हम सहयोगी नहीं बन सकते तो बाधक भी नहीं बनेंगे, इसलिए जो कृष्ण की इच्छा। श्री कृष्ण जाते जाते श्री राधा रानी से मिलते हैं, गोपियों से मिलते हैं, और कृष्ण की जो वो विदाई का समय है वो बड़ा ही कारुण्य भरा है, करुणा से भरा हुआ है। सारा ब्रज देखता देखता श्री ठाकुर जी को विदा करता है और कृष्ण सबसे एक ही वादा करके जाते हैं कि मैं परसों वापस लौट आऊँगा, परसों वापस लौट आऊँगा। बस ये शब्द कह के ठाकुर जी चले गए और ब्रजवासियों को यही भरोसा था कि श्री कृष्ण कह के गए हैं तो एक दिन वो अवश्य लौट करके आएंगे। इसी भरोसे से ब्रजवासी जीते थे।